हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के बारे में एक सीरीज को स्टार्ट की है। तो आज का जो हमारा मंथ रहेगा वो अगस्त मंथ है। उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारा लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। Hi, this is Veronica. अब आप मेरे साथ one-on-one Zoom session book कर सकते हैं competitive exam counseling के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि competitive exams के लिए क्या optional लिया जाए, answer writing कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको counseling दूंगी आपके personal strengths और weakness पे based। So see you there only on proxygyan.com. Thank you. तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा जो है आपको एक एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygyan.com, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे दोस्तों। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो एज यूजुअल हम कैटेगरी वाइज आज बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की अगर कैटेगरी देखें तो इंडिया ने $15 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टू यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। ओके, देखिए अगर हम इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में बढ़ चढ़ कर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, हमारे व्यूज़ हमारे ओपिनियंस सारे इंटरनेशनल लेवल में शेयर किए जाएंगे दोस्तों। बिकॉज इंडिया यू नो एज इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, ओके, हम जो आवाज़ उठा रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, हम जो आवाज़ उठा रहे हैं यू नो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, ये सारा कुछ हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं हमारे ओपिनियंस को, राइट। और हमें बढ़ चढ़ कर हमारे भी जो वहाँ पे जो सीट्स हैं, वी कैन ऑल्सो एलेक्ट एज ए चेयरपर्सन, वी कैन ऑल्सो एलेक्ट एज ए परमानेंट मेंबर ऑल्सो, बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सारे चीज़ें अगर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, देन वी कैन हैव ए सम मेजॉरिटी रोल प्लेइंग इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, राइट। तो 14 अगस्त की बात करें तो पीएम मोदी जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को लॉन्च किया है। ओके, ये एक पब्लिक सेंट्रिक रहेगा, एक फेसलेस आप कह सकते हैं, यू नो फेसलेस आप अपील कर सकते हैं अपने कोई भी टैक्स रिलेटेड इशू। आगे मैं मिनी फैक्ट में आपको इन डिटेल बढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल इशूज़ की बात करें तो दिस इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो प्रदीप कुमार जोशी जी को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। डायरेक्टली आपको बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड। ओके, तो 8 अगस्त की बात करें तो इंडिया और चाइना एक मेजर लेवल टॉक्स हेल्ड करते हैं, ताकि दीपसांग को लेकर जितने भी इश्यूज़ हैं, जो दीपसांग प्लेन है जो गलवान वैली के और जो 8 फिंगर्स वहाँ पे इन बिटवीन जो प्लेन आ रही है ना, उसको हम दीपसांग प्लेन कहते हैं। सो मेजर जनरल लेवल टॉक्स होती है दोनों के बीच में, ताकि उसको भी पीसफुली रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, जिस तरह से उन्होंने गलवान वैली और फिंगर्स 8 फिंगर्स को रिलेटेड जो चाइना ने अपने ट्रूप्स को वापस ले लिए थे, और ईस्टर्न लद्दाख में जो पेट्रोलिंग यूनिट अपॉइंट किया था इन लोगों ने, वहाँ पे भी ट्रूप्स को वापस बुला लिया गया था चाइना के द्वारा। तो इसी तरह दीपसांग प्लेन का जो इशू है उसको भी प्रॉपरली सॉल्व किया जाए, उसके रिलेटेड टॉक्स कैरी आउट किए गए थे 8 अगस्त को। और उसी दिन एक दर्दनाक हादसा भी होता है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा एयर इंडिया की जो फ्लाइट है जो दुबई से आ रही थी, कैलिकट के रनवे पर स्लिप हो जाती है दोस्तों। ओके, आगे चलकर यू नो वहाँ पे खाई था, वहाँ पे जाकर क्रैश हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली जो पायलट को पायलट उनकी जो मृत्यु हो जाती है, जो को पायलट तो क्रिटिकल कंडीशन में थे, फिर थोड़े दिन के बाद आई थिंक ही इज़ ऑल्सो डाइड, राइट। और कई सारे पैसेंजर्स को भी इंजुरीज हुए, कई सारे पैसेंजर्स मर चुके थे उसमें। नथिंग बट ये जो कैलिकट का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो रनवे है वो एक टेबल टॉप रनवे है दोस्तों। ओके, प्रॉपर सेफ्टी मेजर ना होने के कारण वापस जैसे ही वो रनवे स्किड हो जाती है ना, तो उसके बाद कोई जंगल या फिर कोई यू नो ग्रासी रोड नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट खाई है, जिस तरह से मैंगलोर का एयरपोर्ट है। तो इस तरह ऐसी होने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। तो लेट्स होप आगे चलकर कुछ सेफ्टी मेजर्स ये लोग करें, कैरी आउट करें, और जितने भी टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स किए जाए, ताकि अगर इन केस अगर ऐसा ना हो, इन केस अगर ऐसा हो जाए कि रनवे
स्किड पे हो जाए तो प्लेन दे कैन मैनेज इट सेल्फ, राइट। तो 9 अगस्त की बात करें तो पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लाया गया था, तो उसके तहत इन्होंने 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी एलोकेट किया है उनके कोल्ड स्टोरेज के लिए, उनके सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए। और 11 अगस्त को एक लैंडमार्क जजमेंट पास होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डॉटर्स को जो है इक्वल राइट्स दी जाएगी। आपको जितने भी हिंदू जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी में है, पहले उनको राइट्स नहीं मिलते थे, अभी जो दे आर प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट्स ऑल्सो, एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो गेट द अनलिमिटेड 4G एक्सेस। नेक्स्ट बात करें 14 अगस्त की, तो इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड 23 लाख PPE इक्विपमेंट्स टू 5 countries इन जुलाई। ओके, सो 23 लाख के जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, राइट, इस सारे जो इक्विपमेंट्स हैं 5 countries को सप्लाई किए गए थे इन जुलाई में, राइट। इस पे इंडोनेशिया एंड यू नो मालदीव्स, ये सारे छोटे कंट्रीज आ रहे थे। एंड जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इसको हाईएस्ट स्कोर किया गया था दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्सेसमेंट की बात करें तो इनके कई सारे पैरामीटर्स है, इस सारे पैरामीटर्स में जामिया ने टॉप किया है, तो इसको हाईएस्ट स्कोर प्रोवाइड किया गया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो 15 अगस्त की बात करें तो हम लोग 74th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किए, आप सभी लोग जानते हैं। और इसी दिन एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट होता है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था। ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यू नो एक 3 डिजिटल अनाउंसमेंट हुआ था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि इसमें इंक्लूड हुआ था साइबर सिक्योरिटी को लेकर, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को लेकर, राइट। तो इसी का पार्ट रहा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इसमें बेसिकली 4 फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थ आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स रहेंगे, डिजी डॉक्टर रहेगा, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन जो ई संजीवनी ऐप है आप सभी लोग जानते हैं, उसमें आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी, राइट, ई फार्मेसी, टेली मेडिसिन सर्विसेज, सारा कुछ इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट है। ओके, इसको लॉन्च किया गया था कब, 74th इंडिपेंडेंस डे, जो 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट किया था 2020 में, इसको लॉन्च किया गया था। 17 अगस्त की बात करें, जो पंडित हमारे जसराज जी हैं उनका निधन हो जाता है। ही इज़ वेरी फेमस वोकलिस्ट, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया, प्रमोट किया इन वेरियस कंट्रीज़ में। और इनका जो जन्म हुआ था फतेहबाद में इनका जन्म हुआ था, एंड ही डाइड इन न्यू जर्सी US में, इनका निधन हो चुका है। ओके, इज़ वेरी फेमस वोकलिस्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स द प्लिया टू पोस्टपोन नीट एंड JEE एग्ज़ाम। कई सारे स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दर्ज की थी कि जितने भी नीट एग्ज़ाम्स थे, JEE IIT एग्ज़ाम्स थे, उसको पोस्टपोन किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ओके, सो 19 अगस्त की बात करें तो कैबिनेट ने जो 3 एयरपोर्ट्स की बात की है, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, इसको लीज करने की बात की है दोस्तों। ओके, दे वांटेड टू इन्वॉल्व इन दिस PPE मॉडल, यू नो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में उसको लाने के लिए बात की गई 3 एयरपोर्ट्स को, जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट 20 अगस्त की बात की जाए तो DGCA ने एक स्पेशल सेफ्टी ऑडिट करने की एक यू नो अनाउंसमेंट की है जितने भी फ्लाइट्स हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से सारे फ्लाइट्स ग्राउंड हो चुके थे। ओके, जितने भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कई दिनों तक उन्होंने उड़ान नहीं भरी थी और उनके कई सारे टेक्निकल ख़राबी हो सकती है, बिकॉज एक मशीन जो रेगुलर चलती रहे उसको सडन से स्टॉप कर दे तो वहाँ पर इंजन इशूज़ आ सकते हैं, टेक्निकल इशूज़ आ सकते हैं। तो बिफोर दे अलाउिंग टू फ्लाई, एक स्पेशल सेफ्टी ऑडिट की जाए। ओके, एक टेक्निकल ऑडिट हो ताकि एक सेफ उड़ान ये भर सकें। और 21 अगस्त की बात की जाए तो आर्मी ने एक टेंडर को इशू किया है, पहली बार इन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया है दोस्तों, जहाँ पे 7.62 mm का जो एम्यूनेशन है, यू नो दैट बुलेट्स जो हम कहते हैं, उसको एक टेंडर इशू किया गया था टू द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट 23 अगस्त की बात की जाए तो सेंटर ने एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन फॉर्म किया गया था। इस पर मैंने इन डिटेल वीडियो बना रखा है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट अवर चैनल, वहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा हमारे वीडियोस लिस्ट में, राइट। और 24 अगस्त के दिन ये अनाउंस किया गया है कि सोनिया गांधी जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट बरकरार रहेंगे इसी तरह। ओके, दे आर नॉट गोइंग, देर इज़ नो चेंजेस इन द कांग्रेस प्रेसिडेंट नाउ। तो पहले राहुल गांधी थे, फिर इसके बाद सोनिया गांधी जी बने हैं। एंड नेक्स्ट 27 अगस्त
इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच वॉज डन थ्रू हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे. उन्होंने आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो GST कंपनसेशन था, जो GST कलेक्शन था एक्चुअली, वो कम हो गया था. तो इसकी वजह से सेंटर प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो भी GST कंपनसेशन देना था. तो उन्होंने दो ऑप्शंस को रखा है दोस्तों स्टेट्स के सामने. या तो आप 97,000 करोड़ ले लीजिए मार्केट से, या फिर कंप्लीट जितना भी GST लैक हुआ है 2.35 लाख करोड़, वो आप उसको ऑफ कर सकते हैं. क्लियर हो गया आपको? दो ऑप्शंस, या तो आप 97,000 करोड़ ले सकते हैं, या फिर एंटायर अमाउंट अगर आप चाहते हैं 2.35 लाख करोड़, वो भी आप ले सकते हैं. बट वन कंडीशन है, अगर आप 97,000 करोड़ ले रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको जो भी सेस रिवाइव किया जाएगा लिकर के पर या रियल इस्टेट के पर, रजिस्ट्रेशन के पर, जितना भी उसके ज़रिए से आपको वो इंटरेस्ट फेड़ा जाएगा. ओके, सो स्टेट के ऊपर उतना बर्डन नहीं रहेगा जब इस तरह से अगर आप इंटरेस्ट पे रहे. जब अब अगर आप एंटायर अमाउंट चाहते हैं 2.35 लाख करोड़, तो जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कम्प्लीटली स्टेट के ऊपर डाला जाएगा दोस्तों. ये टू ऑप्शन इन लोगों को दिया गया था. ओके, कई सारे अपोजिशन पार्टीज ने भी इसके बारे में आलोचना की थी. ओके, रेस्ट अपार्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दीप. और डिफेंस मिनिस्टर ने एक NCC कैडेट ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐप भी लॉन्च किया गया था, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहाँ पे आपको जो NCC सर्टिफिकेट के लोगों को ज़्यादातर प्रेफरेंस देने की बात की गई थी, तो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया था थ्रू डिफेंस मिनिस्टर. और 20 अगस्त को गवर्नमेंट ने 15% स्टेक को डिसइन्वेस्ट करने की बात की है इन HAL, जो कि हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड है. ओके, तो उनमें एक 15% का जो स्टेक है उसको डिसइन्वेस्ट प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने की बात की गई थी. और 30 अगस्त पोडी जो ग्लोबल टॉय हब है उसको अनाउंस किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा. राइट, इंडिया को एक ग्लोबल टॉय हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो टॉय मार्केट है हमारे इंडिया में दैट इज़ 80 मिलियन से भी ज़्यादा है दोस्तों. ओके, तो मगर ज़्यादातर हम टॉयज इम्पोर्ट करवाते हैं चाइना से और वेरियस अदर कंट्री से. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए एक ग्लोबल टॉय हब, एक टॉय कैतान आई थिंक इसको अनाउंस किया गया था, ताकि हमारे इंडिया मार्केट में भी एक टॉय हब हो और हम लोगों को भी इसको एक्सपोर्ट कर सके. 31 अगस्त की बात करें तो हमारे जो प्रणब मुखर्जी हैं जो एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनका निधन हो जाता है. ओके, और टाटा ग्रुप एंड LLT दे हैव कोलैबोरेटली बिल्ट 6 पिनाकर रॉकेट रेजिमेंट फॉर आर्मी. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू बी नोटेड. और सोशो कल्चर की बात करें, जो महात्मा गांधी जी के जो आइकॉनिक ग्लासेस हैं आपने कई बार देखा होगा. ओके, फोटोज़ में, इवन द इंडियन नोट में भी आपको उनके चेहरे में जो ग्लासेस दिखेंगे, उस ग्लासेस को सेल किया गया है दोस्तों ऑक्शन के जरिए से, एंड इट अमाउंट्स टू $3,40,000. ओके, UK में इसको खरीदा गया था. नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी अभी जो मैं आपको बताया था कि ई संजीवनी एक ऐप है, एक ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी ऐप है दोस्तों, एक टेलीमेडिसिन या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन जब कंसल्ट कर सकते हैं आप डॉक्टर से. तो रिसेंटली 2 लाख कंसल्टेशन इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं. और 25 अगस्त को IBM ने एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नोट दैट वन. ओके, और स्पोर्ट्स की बात करें तो MS धोनी और सुरेश रैना ने फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित की है. बट इवन दो दे विल प्ले इन द IPL, डोंट वरी, वी कैन सी देयर मैचेस ऑल्सो. ओके, और जनरल की बात किया जाए तो PM मोदी ने 1 वीक का एक फ्री इंडिया गार्बेज को लॉन्च किया गया था फ्रॉम 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, ताकि जितना भी गार्बेज है उसको क्लीन कर पाए. ओके, सो 1 वीक का ये कैंपेन चला था दोस्तों. कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी गार्बेज क्लीन के पोस्टर्स लगाए गए थे, और कई सारे बढ़ चढ़ कर जो NGOs थे उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था. सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, मिनी फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं. ट्रांसपेरेंट टैक्स एक्शन जो पहली न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज़ नथिंग बट इट्स ए प्लेटफॉर्म दोस्तों, जहाँ पे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे थे आज तक, जितने भी टैक्स पेयर्स थे फाइल करने में, या कोई भी कंप्लेंट्स थे या कोई भी रिफंड्स थे, जितने भी सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे उसको ईज करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था. ओके, ताकि जितने भी हॉनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट किया जाए. और ये प्लेटफॉर्म में 3 मेन फीचर्स हैं. एक तो फेसलेस रहेगा, आपको बार बार ऑफिस के कोई चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, और फेसलेस अपील आप कर सकते हैं. असेसमेंट रहेगा आपको, प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट दिए जाएगी.
ऑनलाइन में कि आपकी रिपोर्ट, आपकी फाइल कहाँ तक पहुँची है, कहाँ कहाँ तक अप्रूवल मिला है, सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए मेन आइडिया ये है कि एक पीपल सेंट्रिक बनाया जाए इस टैक्सेशन पॉलिसी को, ओके, और एक पब्लिक फ्रेंडली हो, और जितने भी फंडिंग उनके रुक गए हैं रिफंड्स होने से उसको हम प्रॉपरली टाइम टू टाइम दिया जाए, ताकि जितने भी जो हॉनेस्ट टैक्स पेयर है उनको हैरासमेंट से हम बचा सकें। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।